हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉप ऐप बार के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने ये शेफोल्ड वाला देखा था, उसके ही नीचे कंपोजिट बना के देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन करके रखी है क्योंकि मेरे को टाइप समझाना है, तो ये बेटर अप्रोच है क्योंकि इधर एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो दो टाइप है बेसिकली, एक है टॉप ऐप बार और दूसरा है बॉटम ऐप बार। ओके, और टॉप ऐप बार में डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, तो दो तीन टाइप है बेसिकली। बॉटम ऐप बार में एक ही टाइप है बेसिकली, ये बेसिकली टॉप ऐप बार है और ये बॉटम ऐप बार है। ओके, तो इतनी टाइप है, स्मॉल, सेंट्रल अलाइन, मीडियम, लार्ज। ओके, तो स्मॉल बेसिकली डेप्लीकेट हो चुका है। मैं इधर एक चीज दिखाता हूँ, ये रहा फॉर स्मॉल। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं और इसके नीचे पेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसको एक्सपेरिमेंटल वाला ओवरराइट कर देंगे। अभी इधर एक काम करते हैं, हम थोड़ा लेजी कॉलम ऐड कर देते हैं तो फिर अच्छा रहे। लेजी लेजी कॉलम, उसके अंदर कंटेन कंटेन उसके अंदर कंटेन पैडिंग हम ऐड करेंगे। कंटेन कंटेन पे कंटेन क्या लिख रहा हूँ? अच्छा, ये रहा, ये मैंडेटरी है बेसिकली इनर पैडिंग को देने का, तो इसमें पैडिंग ऐड कर देंगे, कंटेन पैडिंग, वो मैंने कल भी बताया था। और एक चीज ऐड करेंगे हम, वर्टिकल अरेंजमेंट अरेंजमेंट सेंटर की जगह हम 10 पीस बाय 1 dp। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका अलग वीडियो है, ऑलरेडी देखना हो तो देख लेना। ठीक है, और इसके अंदर हम आइटम्स लेंगे, 100 आइटम बेसिकली हम देने वाले हैं इसमें, क्योंकि हमको स्क्रॉल परफॉर्म करना है ना, तो वो समझने के लिए अच्छा है। ओके, इधर हम डॉलर डॉट it पास कर देंगे और इसमें मॉडिफायर ऐड कर देंगे। मॉडिफायर फील मैक्स साइज, अरे फील मैक्स विथ। ओके, भी इसमें है ना, इस स्मॉल टॉप बार दिया हुआ है, बट इसमें जो स्मॉल टॉप ऐप बार है ना, बेसिकली वो डेप्लीकेट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर स्मॉल टॉप ऐप बार लिखेंगे ना तो वो डेप्लीकेट दिखा हुआ है, बट इसके अंदर हम जाएंगे ना तो ये बेसिकली टॉप ऐप बार को ही कॉल कर रहा है। ओके, तो ये बेसिकली डेप्लीकेट हो चुका है, तो हम टॉप ऐप बार यूज करेंगे अभी। ओके, और इसमें हम टाइप देखने वाले हैं, तो इसको पहले सबसे पहले काम करते हैं, इसको रन करते हैं, बट इधर नाम चेंज कर देते हैं। इधर अभी स्मॉल यूज नहीं करने वाला है, तो सिंपली टॉप ऐप बार लिखेंगे। इसको कॉपी किया, इसको अभी रन करते हैं। ये देखिए, स्क्रॉल भी हो रहा है और यहाँ पे ये टॉप टैब बार भी आ रहा है। ओके, अभी इसका कलर और बैकग्राउंड वो सब देख लेते हैं, और स्क्रॉल भी हो रहा है। ओके, अभी इसमें इसको मैं निकाल लेता हूँ, इसमें सब मैं कलर देखने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं। अभी के लिए इधर नेविगेशन आइकन और इधर आइकन ऐड करते हैं, तो फिर समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि इधर कलर दिखाना है। तो फिर तो इसमें थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ,
इसमें बेसिकली सिंपली खाली टाइटल दिखाया हुआ है। इधर सेकंड में जाएंगे ना तो इधर देखिए ये एक आइकन दिखाया है और एक दूसरा आइकन भी दिया, तो ये दोनों को कॉपी कर देंगे। तो बेसिकली इसको कॉपी करेंगे के अंदर ऐड करना है, इधर कॉमा ऐड करना भूल गया हूँ। ओके आ गया, ये देखिए। ओके अभी मैं इधर इसको रन करता हूँ। बेसिकली ये टॉप ए बार के अंदर ऐड करना है। ओके okay? ये देखिए आ गया इधर आइकन। अभी आइकन चेंज करना हो तो ये बेसिकली नेविगेशन आइकन है, मीन्स कि एक खाली कंपोनेंट का नाम है। इसके अंदर हम आइकन चेंज करना हो तो इधर चेंज कर सकते हैं, इधर होम करना हो तो ने फिर ड्रॉएबल में देना हो तो वो भी कर सकते हैं, ये रहा। ओके इधर मेनू भी कर सकते हैं, मेनू इसमें ड्रॉएबल भी ऐड कर सकते हैं, इधर ऐड करना हो तो वो इमेज वाला वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना उसमें है। ओके तो अभी के लिए इसको कंट्रोल जेड कर देंगे, इधर रहने देते हैं। हाँ एरो। ओके अभी इसमें कलर्स देखते हैं, तो कलर्स में सबसे पहले आता है कंटेनर कलर। कंटेनर कलर सॉरी ये नहीं, कंटेनर कलर, कंटेनर कलर उसके अंदर येलो पास करेंगे। ओके येलो पास करेंगे तो ये बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा। ओके दूसरी प्रॉपर्टी है कंटेन कलर, कंटेन देख लेते कौन सी है, स्क्रोल कंटेनर कलर। तो स्क्रोल कंटेनर कलर वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। वो मैं थोड़ा इसमें एक और एग्जांपल है उसमें मैं दिखाने वाला हूँ। ओके तो सेकेंड थर्ड है नेविगेशन आइकन, नेविगेशन आइकन कंटेन कलर, मीन्स कि जो भी ये नेविगेशन का है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इधर हम पास करेंगे कौन सा पास करें, रेड पास कर देते हैं दिखाने के लिए। इधर अभी ब्लैक है तो ये रेड हो जाएगा, इधर देखिए रेड हो गया ना। ओके और दूसरा है एक्शन आइकन कंटेन कलर, मीन्स की ये। ओके तो उसमें है कलर डॉट, इसको भी रेड कर देंगे। ओके तो ये रेड हो गया। अभी क्या बाकी रह गया, हाँ एक एक और है टाइटल कंटेन कलर, बेसिकली ये। ओके इसमें पास करेंगे हम रेड, इसको भी रेड कर देंगे, ठीक है। तो ये समझाना था तो मैंने समझा दिया। हाँ और एक चीज़, ये जो भी कंपोजेबल इधर ऐड करना है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेना। यहाँ पे टॉप एप बार है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कलर्स की क्या है, बेसिकली ये है टॉप एप बार डिफॉल्ट डॉट टॉप एप बार कलर्स, वही लेना। ओके इधर सेंट्रल टॉप बार ले तो उसकी डिफॉल्ट जो है वही लेना। ओके तो वो मैं आगे दिखाता हूँ तो फिर आपको समझ में आए। ओके और इसमें हमको टाइटल चेंज करना हो तो बेसिकली ये सब कंपोजेबल फंक्शन ही है। ओके ओके तो इसको थोड़ा आपको चेंज करना हो, कुछ एलिमेंट और एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ये अपने हिसाब से है। ओके और इधर स्मॉल की जगह हम टॉप बार कर देते हैं इधर। ओके और क्या चेंज, और आपको मैंने बता दिया एक्शंस। एक्शंस बेसिकली रो है इधर, रो एक और आइकन ऐड करना हो तो सिंपली इसको कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट करेंगे तो एक दूसरा आइकन आ जाएगा। अच्छा सिंपली इधर रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए दूसरा आइकन आ गया ना। ओके इसको नाम नाम क्या रखें अभी के लिए, सेटिंग्स। अच्छा सेटिंग्स कर देते हैं। ओके ये देखिए सेटिंग आ गया। अभी ये कलर आपको चेंज करना हो तो आपके हिसाब से चेंज करने का, सब कंपोजेबल फंक्शन ही है तो कुछ और एलिमेंट ऐड करना हो तो वो कर सकते हैं। ओके और जो आइकन्स है ना वो बेसिकली रो स्कोप है, मीन्स कि ये रो में ऐड होगा, मीन्स कि हॉरिजॉन्टल ऐड होगा। ओके और हाँ इसमें और ये हमारा सिंपल जो डिफॉल्ट आता है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और देखिए ये स्क्रॉल भी हो रहा है। ओके ये अभी थोड़ा लैग करेगा क्योंकि ये मैंने लाइव डेटा यूज़ कर रहा हूँ ना, तो फिर ये थोड़ा लैग करेगा। ओके और मैंने की वाला फीचर तो मैंने बताया था लेजी कॉलम लेजी रो वाले में, तो देख लेना जाके।
और इसमें क्या बाकी है, शेफर टॉप वेब बार में और कुछ मेरे हिसाब से मॉडिफायर तो हर एक कंपोजेबल में आता ही है। ओके, ये कलर्स भी दिख रही है। हाँ, ये स्क्रोल बिहेवियर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं बेसिकली। तो दूसरा एग्जांपल, इसको एक काम करेंगे, अभी ये सेंट्रल अलाइन वाला देख लेते हैं। बेसिकली ये टेक्स्ट सेंट्रल में आता है। ओके, तो इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इस स्मॉल कंटे की जगह हम ये लेजी कॉलम पास कर देंगे। ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर देंगे, मीन्स कि एक्सपेरिमेंट वाला इंपोर्ट करना है। ओके, तो ये हो गया। अभी इसको कॉपी करके इधर डालेंगे। अभी इसको रन करते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये बेसिकली टेक्स हमारा सेंटर में आ गया। ओके, और इसमें मैक्स लाइन 1 दिया हुआ है, मीन्स कि ज्यादा टेक्स हुआ तो वो फिर डॉट डॉट कर देगा आगे जाके। ओके, तो वो है बेसिकली। और एक चीज और मैं दिखाता हूँ, इसमें 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 भी है, इसमें ये कलर्स वाले में, इसको कलर्स को मैं कॉपी करता हूँ। और इसमें जो कंपोजिबल जेब फंक्शन है ना, बेसिकली ये सेम ही है। इधर टॉप एप बार जो राइट में आता है, बेसिकली मीन्स की लेफ्ट में आता है इधर, और इसमें इसमें सेंटर आता है। ओके, ये बेसिकली कंपोजिबल का डिफरेंस है इसमें। और जो इसका डिफॉल्ट कलर क्या है, बेसिकली सेंट्रल अलाइन टॉप बैकर, तो वो कॉपी करके डाल देना इधर। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो तो वो भी देख लेना, मीन्स ही खाली एक ही होगी। अच्छा, ये वाले। ओके, अभी इसमें ऐड करेंगे स्क्रोल कंटेन कलर, इसमें हम करेंगे कलर डॉट ब्लू, ब्लू पास करेंगे ना, ग्रे कर देते हैं। ओके, अभी मैं इसको स्क्रोल करूँगा ना, तो देखिए ये बेसिकली हमारा क्या बोलते हैं, स्क्रोल करने पर हमारा कंटेंट का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो आपको यूज़ करना हो तो ये स्क्रोल कंटेनर कलर यूज करना, बेसिकली इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, इसमें भी है, बट इसमें वर्क अभी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट लिया है स्क्रोलेबल स्क्रोलेबल बिहेवियर, उसमें डिफॉल्ट पिन स्क्रोल फिक्स किया हुआ है बेसिकली। तो ये जो टूल बार है ना, वो फिक्स है, मीन्स कि स्क्रोल करूंगा ना तो ये कंटेंट देखिए यहाँ से हाइड हो रहा है बेसिकली। ओके, यहाँ से हाइड होना चाहिए, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी आती है, उसका नया एक स्टेट आता है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, और इस स्क्रोल बार को इधर जो शेफोल्ड होता है ना, उसमें नेस्टेड स्क्रोल में ऐड करने का, और एक और जगह ऐड करने का जहाँ पे ये स्क्रोल बिहेवियर है वहाँ पे। ओके, ये बेसिकली ये टॉप एप बार का एक वैल्यू है बेसिकली, प्रॉपर्टी है स्क्रोल बिहेवियर, तो वो पास करने का, और कुछ नहीं। ओके, इसमें भी है। ओके, इसमें भी है। ओके, मैं इधर समझाने के लिए ये यूज किया, अभी मैं इसको चेंज करके हम ये भी कर सकते हैं टॉप एप बार। ओके, को रन करेंगे तो ये सेंट्रल की जगह इधर आएगा। ओके, वैसे तो दिख ही रहा है, बट एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो आपको आसानी रहे। ओके, ये देखिए, ये स्क्रोल पिन हो रहा है बेसिकली, तो इसको हाइड करना हो तो सिंपली इसको लाइन को कमेंट कर देना। ओके, तो ये पिन होगा। ओके, और ये मैं प्रॉपर्टी दिखाने थी तो इसलिए मैंने ये बीएस किया है। और ये पिन वाला भी यूज करना आप। ओके, हर एक के अंदर ये पिन वाला तो खास यूज करना, कभी कभी टूल बार हाइड हो जाता है, तो ये बेटर है। ओके, और इसमें क्या दिखाएंगे, और एक कोई एग्जांपल देखते हैं इसमें। ओके, ओके, मीडियम मीडियम के लिए है बेसिकली। मीडियम कैसा दिखता है बेसिकली, ये थोड़ा स्पेस दिखता है इधर, ये देखिए। ओके, तो वो कैसे करेंगे हम, सिंपली इसको कॉपी करना है। ओके,
और इसको पेस्ट करना है, और कंटेन की जगह हम ये वाला कंटेन चेंज कर देंगे। ओके, और इसको एक्सपेरिमेंट वाला डाल लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम रन करके देखते हैं। इसमें भी कलर प्रॉपर्टी सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। मीन्स कि ये जो कलर प्रॉपर्टी मैंने दिखाई थी ना, वही है। ओके, बट इतना ध्यान रखना कि जो भी कंपोजेबल फंक्शन हो ना, उसका कलर डिफॉल्ट ही वही यूज करना। ओके, यहाँ पे मीडियम मीडियम टॉप एप बार है, उसका डिफॉल्ट कलर्स कौन सा है? बेसिकली इधर मीडियम टॉप बार कलर्स, तो वही यूज करना। ओके, इधर इन लोगों ने चेंज किया है, तो हम भी हम चेंज कर देते हैं मीडियम टॉप बार कलर। ओके, और एक चीज और मैं आपको दिखानी थी। किसी में है, किसी में एक काम करता हूँ, आपको कहाँ दिखाऊँ। इस कलर को पहले मैं रिमूव करता हूँ, और कंटेनर कलर मीन्स कि हम पास करेंगे कंटेनर कलर में येलो। एक चीज दिखानी थी, वो आप भूल जाओगे तो मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद स्क्रोल कंटेनर कलर नेविगेशन कंट्रोल, ये तो सेम ही है। स्क्रोल कलर, हाँ, बेसिकली स्क्रोल कंटेनर कलर, उसके अंदर कलर डॉट येलो। ओके, किसी में यहाँ पे कलर चेंज होगा, इतना है इतना पोर्शन। तो वो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, किसी का ओल्ड वर्जन होगा ना मटेरियल थीम का, तो वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अपडेट प्लीज एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके अपडेट कर दे, ये जो भी फर्स्ट लिंक हो ना उसको कॉपी करने का, जो भी स्टेबल वर्जन है ना उसमें देख लेने का। 1.12, 1.2 है बेसिकली, 1.1.2। तो मैंने अपडेट कर दिया था, तो मेरे में ये सॉल्व हो गया था। आप में यहाँ पे कलर चेंज ना हो तो ये अपडेट कर देना, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, किसी को प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने भी कल देखा था, तो मैंने मेरे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने लाइब्रेरी अपडेट करके देख ली, तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है। अभी मेरे में थोड़ा चिपक रहा है, क्योंकि मैंने ये लाइव डेटा यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए। ओके, तो इसमें हाँ और कुछ बाकी नहीं है, मैंने इधर दिखा दिया मीडियम वाला, इसमें भी सेम ही है और कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, अभी मान लो कि हमको जो ये वाला टूल बार था, मीन्स कि ये सेंट्रल को मैं इधर रन करता हूँ एक बार फिर। ओके, अभी मान लो ये टूल बार को हाइड करना है, बेसिकली ये टूल बार को मीन्स कि जब स्क्रोल हो तभी हाइड होना चाहिए, तो वो सिंपली कैसे करेंगे, मैं एक चीज दिखाता हूँ। एक चीज सिंपली करनी है आपको, वो मैं एक नया कंपोजेबल फंक्शन बना के आपको दिखाता हूँ, तो फिर अच्छा रहेगा आपको देखने में। तो इसको सिंपली ये सेंट्रल वाले को कॉपी पेस्ट मार देंगे। ओके, और इधर जो भी फंक्शन है ना, ये सेंट्रल है, तो इसको सेंट्रल ही रहने देते हैं, तो फिर अच्छा रहे समझने में। सेंट्रल टॉप पे बार कहाँ गया, हाँ ये वाला। ओके, और ये फंक्शन का नाम रखेंगे हम, क्या नाम रखें, ये बेसिकली पिन टूल बार था, हमको स्क्रोल बार करना है बेसिकली। क्या नाम रखें इसका, इसका हम नाम रखते हैं एंटर। हाँ, बेसिकली एंटर, एंटर ऑलवेज टॉप बार, ऐसा नाम रखते हैं। एल ऑलवेज स्क्रीन, स्क्रीन। ओके, अभी इसको, अभी तो सेम ही आएगा। अभी इसमें जो पिन जो स्क्रोल है ना, उसकी जगह हम लिखेंगे एंटर, एंटर ये वाला। ओके, एंटर ऑल स्क्रोल बिहेवियर
उसमें ये रिमेम्बर टॉप ये डिफॉल्ट है ना वो पास कर देना, और एक चीज चेंज करनी है, इसको एक बार रन करते हैं। ये देखिए ये हाइडोरा है ना बेसिकली। ओके तो आपको ये करना हो तो ऐसा कर सकते हो, मीन्स की जब स्क्रोल हो तभी टूल बार को हाइड करना हो तो ये कर सकते हो। ओके तो ये प्रॉपर्टी मैंने दिखानी थी, सिंपली यहाँ पे चेंज करना है और कुछ नहीं। इधर इधर पिन स्क्रोल बिहेवियर की जगह ये कर देना एंटर ऑलवेज स्क्रोल बिहेवियर। ओके और कुछ नहीं करने का चेंज, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके बट ये मीडियम टूल बार में शायद नहीं होगा, क्योंकि इधर मैंने देखा कि ये ऑलवेज यूज हो रहा है बट ये टूल बार को स्टेटिक ही रख रहा है, तो ये बेसिकली टॉप डाउन में ही वर्क करेगा। ओके क्योंकि और उसको उसमें मीडियम में तो नीचे टेक्स आता है इसलिए। ओके तो ये मैंने बताना तो बता दिया, और एक दो लास्ट है बाकी वो देख लेते हैं। लार्ज बेसिकली लार्ज टॉप एक बार बेसिकली इसमें थोड़ी ज्यादा स्पेस आती है बीच में, और कुछ नहीं डिफरेंस। मीडियम और ये सेम ही है, खाली बीच का डिफरेंस है बेसिकली, स्पेस का डिफरेंस है। ओके और बीच को इंपोर्ट कर देंगे। ओके और इसमें डिफॉल्ट कलर्स कौन सा है वो देख लेते हैं। इधर देखिए लार्ज टॉप बार है और इन लोगों ने दिया हुआ है बेसिकली, ये इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन में चेंज नहीं किया है। ओके अब ये कलर वाला इधर से कॉपी करके डाल लेते हैं। ओके और इसमें ये इनर वाला ये कॉपी करके डाल लेते हैं। मैं एग्जांपल कॉपी कर रहा हूँ तो फिर आपको थोड़ा टाइम बचे। ओके हाँ और कुछ बाकी नहीं है। पेस्ट करेंगे इसको रन करते हैं, बीच में खाली थोड़ी स्पेस आएगी, मीडियम में थोड़ी थोड़ी स्पेस नहीं थी, इसमें थोड़ी ज्यादा स्पेस है बेसिकली। ओके ये देखिए इतनी स्पेस है, उसमें इतनी स्पेस थी बेसिकली। ओके इसको अभी हाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्रोल कर रहा है तो फिर ये हाइट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके तो ये ऐसा अच्छा दिख रहा है। ओके आपको कहीं पे यूज करना हो तो ये यूज कर सकते हैं, मस्त दिखता है। और इसमें भी कलर सेम ही है। ओके आपको कलर्स के बारे में जानना हो तो इसमें कंट्रोल क्लिक कीजिएगा, आपको पता चल गया। ओके मैंने कलर्स पर के बारे में ऊपर सब बता दिया ना। हाँ बता दिया। ओके तो प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ मेरे हिसाब से बाकी नहीं है। मैंने आइकन वाला भी दिखा दिया ये भी। अभी एक लास्ट चीज बाकी है वो देख लेते हैं, बॉटम एक बार। ओके तो उसको उसको बेसिकली क्या करें हम, इधर सिंपली हम क्या करते हैं ये बॉटम एक बार है ना उसको ही कॉपी कर लेते हैं। ओके क्योंकि सेम ही है तो ठीक से कॉपी करना बेसिकली। तो अभी इसको कहाँ ऐड करना है, सेव फोल्ड के अंदर ऐड करना है, तो ये सेव फोल्ड यहाँ से कंप्लीट हुआ। ओके तो इधर ऐड करना है। ओके तो इसको पेस्ट करेंगे। अभी ये माइक और इमेज फाइल नहीं है बेसिकली, आइकन अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऐड आइकन लिख देता हूँ अभी के लिए। ओके और इधर डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, बेसिकली रिफ्रेश हो चुका है, तो ये देखिए यहाँ पे बॉटम एक बार आ गया। ओके ये मस्त दिख रहा है ना। अभी इसका कलर चेंज करना हो तो वो अभी मैं दिखा देता हूँ। ये बेसिकली इधर चेंज करना होगा, इधर दो प्रॉपर्टी है शायद मेरे हिसाब से, मेरे को याद है इतना। कंटेन हाँ कंटेन कंटेनर कलर, तो कंटेनर कलर उसके अंदर हम पास करेंगे कलर्स कलर्स डॉट येल्लो। ओके तो ये येल्लो हो गया। ये बैकग्राउंड ये इसका कलर चेंज करना हो तो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन में ऑप्शन है इधर। ओके इधर फ्लोटिंग एक्शन बटन में ये रहा, ये कंटेनर कलर बेसिकली ये बॉटम एफएम बार का कलर है, तो
तो आपको प्लेग करना हो तो प्लेग भी कर सकते हैं, ठीक है, आप आपके ऊपर है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लू कर देते हैं, लाइट ग्रे कैसा रहेगा? हाँ ठीक है, चलेगा। ओके, इधर कलर चेंज करना तो कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी इसमें है जो लास्ट है बेसिकली, कंटेन कलर, कंटेन कलर जो ये आइकन का कलर है वो। ओके, इसको रेड करके देख लेते हैं। तो फिर आपको ये देखिए, ये आइकन का कलर चेंज हो गया, ये सब जगह चेंज करेगा। ओके, तो देख लेना, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। ओके, और इसमें सब एक एक्शन भी परफॉर्म है, ऑन क्लिक, आपको क्लिक करवाना हो तो इधर दिया हुआ है। ओके, ये सिंपली आपको कंपोजेबल फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ओके, और ये बेसिकली रो स्कोप है, मीन्स की रो में हॉरिजॉन्टली बेसिकली अलाइन हो रहा है। ओके, और कुछ इसमें बॉटम एप बार में मेरे हिसाब से बाकी नहीं है, मैं देख लेता हूँ। ठीक भी बॉटम बॉटम, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, इसमें और भी कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेनर कलर हो गया, ये भी हो गया, ये कंटेन पैडिंग, कंटेन पैडिंग डिफॉल्ट है, बराबर ये। ओके, इधर 99 ही आ रहा चाहिए। ओके, वो बराबर है। ओके, तो ये हमारा खत्म हुआ है एक बार। ओके, आपको कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में लिखना, ठीक है, मैं उसका दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा चेंज करके जाते हैं। कंटिन्यू, कौन सा करें, ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन अवेलेबल है मेरे पास कलर, हाँ ग्रीन कलर है, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये हमारा पूरा हुआ आज का। ओके, तो मैंने ये दिखाना था तो दिखा दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ऐसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आओ जो।